नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में बैठे आतंकियों पर कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने रविवार को पीओके की नीलम वैली में बड़ी कार्रवाई की, जिसमें सीमा पार के 4 आतंकी लॉन्च पैड तबाह हो गए और 6 से 10 आतंकी मारे गए। सेना ने इस कार्रवाई के लिए आर्टिलरी गन और मोर्टार शेल का इस्तेमाल किया, जिससे पीओके में भारी नुकसान हुआ। लेकिन बार बार मार खाने के बाद पाकिस्तान कभी मानने को तैयार नहीं होता कि उसके यहाँ आतंकी पाले जाते हैं। इस बार भी यही हुआ। अपने पाप को छिपाने और भारत के दावे को छुटलाने के लिए पाक सेना एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आगे रोने पहुंच गई। मंगलवार को पाक आर्मी की मीडिया विंग ने विदेशी राजनयिकों को बुलाया और एलओसी से सटे उस क्षेत्र का दौरा कराया जहां भारतीय सेना ने कार्रवाई की। पाकिस्तान ने उन राजनयिकों को यह दिखाने की कोशिश की कि भारत ने इस इलाके में जो आतंकी लॉन्च पैड होने का दावा किया है वो गलत है, उनके निशाने का शिकार पीओके के नागरिक बने हैं। पाक सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर इन राजनयिकों का एक डेलीगेशन लेकर जूरा, नौसेरी और शाहकोट इलाके में पहुंचे और उनकी वहां मौजूद लोगों से मुलाकात कराई। पाक सेना ने दावा किया कि भारत ने उनके निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया है। भारतीय सेना आतंकियों को लेकर झूठ बोल रही है। गफूर ने इन राजनयिकों को यहाँ के बाजार में घुमाया, दुकानों पर भी लेकर गए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इसके लिए भारतीय राजनयिक को भी न्योता दिया था, लेकिन भारतीय उच्चायोग ने उनके झूठ में शामिल होने से इनकार कर दिया। जाहिर है कि पाक सेना इन राजनयिकों को उसी जगह का दौरा कराएगी जहां से वो भारत को घेर सके। अगर है हिम्मत तो एक बार उस जगह पर ले जाएं जहां वो आतंकियों को छिपा कर रखते हैं। पाक सेना सिर्फ झूठी तस्वीरें दिखाकर घड़ियाली आंसू ही बहा सकती है। हालांकि पाकिस्तान जैसे देश के लिए कोई नई बात नहीं है, भारत की कार्रवाई पर वो हमेशा से ही ऐसे रिएक्ट करता आया है। पहले भारत में घुसपैठ की कोशिश करता है, फिर जब भारत के हाथों कुटाई होती है तो ये दुनिया के सामने बेचारा बनकर पहुंच जाता है। पुलवामा हमले का बदला लेते हुए जब भारतीय वायुसेना ने पाक के अंदर घुसकर बालाकोट में कार्रवाई की थी, तब भी पाकिस्तान इसी तरह विदेशी मीडिया को लेकर वहां पहुंचा था और तब भी पाकिस्तान ने हकीकत पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की थी। 1 महीने बाद विदेशी मीडिया के साथ बालाकोट पहुंची पाक सेना ने कई जगह पर मीडिया के जाने पर प्रतिबंध लगा रखा था। वो मीडिया को सिर्फ उसी जगह ले गए जहां सब कुछ ठीक हो चुका था। आपको बता दें कि शनिवार रात को पाक सेना ने आतंकियों की घुसपैठ कराने के इरादे से सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसके बाद भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए करारा हमला बोल दिया। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने बताया कि इस कार्रवाई में कई आतंकी लॉन्च पैड खत्म हो गए और कई आतंकी मारे गए हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि इस कार्रवाई को लेकर उन्होंने क्या कहा था। Had information that terrorists are coming closer to the camps in the forward areas. In the last 1 month, we've seen repeated attempts from the Gurez sector, from the Keran sector, Machhal, Tandhar, Uri, Gulmarg, and even south of Pir Panjal, where repeated attempts are being made to infiltrate terrorists, as I said, to disrupt peace and harmony. In this, Pakistani soldiers from across have been resorting to ceasefire violations to support infiltration of terrorists. And now, as you know, the festival season is approaching, Diwali is round the corner. We had picked up some definitive information that some of the terror camps north of the Pir Panjal are active. The terrorists have arrived in these camps. And that they are likely to infiltrate. Last evening, an attempt was made in Tandhar to infiltrate some of them, where we retaliated. Pakistan at the same time carried out some firing at our posts, in which we did suffer 2 of our soldiers getting killed. 1 civilian also died. And all this was to ensure that they can push in the terrorists. Now, before they could attempt the infiltration, it was decided that we target the terrorist camps across. And therefore, the camps were targeted. We had definitive information. We had the coordinates of where these camps have emerged. And in the retaliatory action that our forces have taken, we have caused severe damage to terrorist infrastructure across. And let me tell you that the terrorist camps opposite Tandhar and Keral sectors have been...